प्रिय मित्रों, जीवन में जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, जीभ से स्वाद ले रहे हैं, वो सभी परिवर्तनशील और नश्वर है। कुछ भी परमानेंट नहीं है। और जो चीज़ परिवर्तनशील है, नश्वर है, उसके प्रति आसक्त रखना, उसके प्रति आसक्ति रखना या द्वेष करना मूर्खता। हाँ, हम उसका उपयोग करेंगे। कुछ भी हमारे नियंत्रण में नहीं है, सब कुछ प्रकृति के द्वारा संचालित है और प्रकृति के गर्भ में ही समा जाता है। स्वामी होने का मतलब होता है, मालिक होने का मतलब होता है कि जिस चीज का हमको ज्ञान हो और जिस चीज पे हमारा नियंत्रण हो। हमारे निकट, हम आत्मा या जीवात्मा के सबसे निकट ये शरीर है। शरीर की किसी क्रिया का न तो तुरंत हमें ज्ञान है और ना उस पर नियंत्रण है। हम अपनी सांस को सदैव के लिए रोकना चाहें, नहीं रोक सकते। हम अपनी हृदय गति थोड़ी देर के लिए बंद करना चाहें, नहीं बंद कर सकते। हम चाहें कि आंतरिक क्रियाओं को हम थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दें या रेस्ट दे दें, ऐसा संभव नहीं होता। अंदर रक्त संचार को भी हम नहीं रोक पाते। हम रात को खाना खाकर सो जाते हैं। आंतरिक प्रोसेस प्रकृति के द्वारा प्रदत्त, मानो तमाम वैज्ञानिक हमारे पेट में काम करते रहते हैं और रात भर में हम तो आराम से सोते हैं, लेकिन वो भोजन विटामिन्स के रूप में, प्रोटीन्स के रूप में, कैल्शियम के रूप में, आयरन के रूप में परिवर्तित होकर जहाँ जितनी आवश्यकता है शरीर में उस जगह पहुँच जाता है। इसके लिए हम केवल खाते हैं, उन्हें खाते हैं, आंतरिक क्रिया सारी चल रही है। इससे ये लगता है कि जब हम शरीर के स्वामी नहीं हैं तो शरीर से जिसी जुड़ी हुई किसी अन्य वस्तु के स्वामी कैसे हो सकते। हाँ, वो हमें मिली हुई है प्रकृति के द्वारा, ईश्वर के द्वारा, परिवार के द्वारा। हमें चाहिए उसका उपयोग करें अपने लिए और दूसरे के लिए। उससे आसक्ति ना रखें, क्योंकि वो जाने वाली है। कबीरदास जी ने कहा है, का मांगू कुछ ठहर ना रही, देखत नैन चला जग जाई, एक लख पूत सवा लख नाती, तारा वर घर दिया। और ये तार्किक भी है कि जो चीज़ नश्वर है और परिवर्तनशील है, यदि हम उससे आसक्ति रखते हैं या विरक्ति रखते हैं तो दुखी होना अवश्यंभावी है। इसलिए वाट एवर वी हैव गॉटन, हमको जो भी मिला है उसका हम वेस्ट यूटिलाइज कैसे करें, फॉर सेल्फ एंड फॉर अदर्स, ऐसा हमारा सोचना है। धन्यवाद।